हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्दी है। तो यहाँ लेकर आई हूँ कच्चे केले की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ कच्चे केले को हमें छीलना नहीं है, केवल काटना है। और केला बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और इसे काट के हम पानी में ऐड कर लेते हैं 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज, थोड़े टमाटर, थोड़ा अदरक, इन सभी को काट लेते हैं। और काटने के बाद कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्के से बस खड़े मसाले डालने हैं और इन सभी को यहाँ ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा डालेंगे यहाँ स्वाद अनुसार नमक और इसे ढक के पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसे सॉफ्ट होने के बाद किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद इसे पीस लेते हैं। और इसे खाली करने के बाद या तो आप देसी घी ले सकते हैं या सरसों का तेल ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा लेना है हमें यहाँ धनिया पाउडर। और 1 से 2 टीस्पून मैंने यहाँ MDH का चना मसाला लिया है। आप चना मसाला भी ले सकते हैं, मटर पनीर मसाला भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो प्याज टमाटर हमने पीसा था उसे इस तरीके से छलनी में छान लेते हैं। जो भी मोटा पार्ट होगा उसे अलग कर देना है। थोड़ा सा इसमें पानी आप ऐड कर सकते हैं ताकि ये सारा मसाला हमारा अच्छे से छन जाए। बहुत ज़्यादा पानी का हमें यूज़ नहीं करना है, केवल आधी कटोरी ही पानी हमें यूज़ करना है। तो ये सारा अच्छे से छन चुका है। इसे थोड़ा चला के देख लेते हैं इसकी ग्रेवी किस तरीके से तैयार हुई है। बिल्कुल बढ़िया से, जैसे केले के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो चुकी है। और यहाँ 3 से 4 टीस्पून लेना है दही। दही बिल्कुल ताज़ा लेना है। तो यहाँ केवल 4 टीस्पून मैंने दही लिया है। इसे थोड़ा अच्छे से भून लेते हैं और केले को पानी से निकाल के इसमें ऐड कर लेते हैं। केला जब तक आप बनाएंगे पानी में ही रहने दीजिएगा, वरना ये बिल्कुल काला हो जाएगा। तो यहाँ इसे मसाले में ऐड कर लेते हैं और चला लेते हैं। थोड़ा नमक हमने टमाटर पकाने में डाला था और थोड़ा हम इस टाइम डालेंगे। तो पूरा नमक हमारा यहाँ आ चुका है। आप चाहो तो यहाँ काले नमक का भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। आधा गिलास से भी थोड़ा कम मैंने यहाँ पानी लिया है। और इसे जब तक पकाना है जब तक कि हमारा ये केला अच्छे से गल ना जाए। 1 टीस्पून बेसन लेना है और बेसन को सुनहरा होने तक हमें भून लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, केवल इसमें से खुशबू आने लगे और हल्का सा सुनहरा हो जाए। तो यहाँ बेसन भी भुन चुका है और सब्जी भी शायद हमारी पक चुकी है, क्योंकि 5 से 6 मिनट सब्जी को पकते हुए हो चुका है। देख लेते हैं ग्रेवी इसमें आपके अकॉर्डिंग। यदि आप थोड़ा ग्रेवी चाहते हो तो आप आधी कटोरी की जगह पूरी कटोरी पानी यूज़ कीजिएगा। केला बनने के बाद ये थोड़ा सूख जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ केला गल चुका है। जब बिल्कुल अच्छे से गल जाए तब हमें ये बेसन डालना है और बेसन को हाथों से मसलते हुए डालना है ताकि कोई गोली ना रह जाए। और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें गरम मसाला, काला नमक यहाँ ऐड कर सकते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। ऊपर से बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म मसालेदार हमारा केला बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बस यही बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं। रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।